बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, हमने अपना रीडिंग स्किल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ रीडिंग को, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्पीड को। ये छोटा सा एक टॉपिक है रीडिंग स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ रीडर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के हवाले से भी। आपको इसमें से एमसीक्यूज बहुत से आ सकते हैं, तो हम एक दफ़ा जस्ट रीड कर लेते हैं कि रीडिंग स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इम्प्रूव करते हैं हमारी रीडिंग स्पीड को। तो अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रीडिंग स्पीड क्या है। स्टूडेंट्स, रीडिंग स्पीड डिफर्स विद पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की डिफरेंट रीडिंग स्पीड होती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ से आपने कुछ भी याद नहीं करना। आगे नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग ज़्यादा ब्रॉडन और जनरल अंडरस्टैंडिंग देती है हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जबकि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो रिक्वायर करती है इन डेप्थ नॉलेज को एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनर डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। मोस्ट प्रोडक्टिव एग्जामिनेशन डिमांड करते हैं सिलेक्टिव इंटेंसिव रीडिंग को ऑन सम टॉपिक। ऑन द अदर हैंड, रिकॉग्निशन टाइप जो एग्जामिनेशन हैं, सच एज ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं, ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस, वो डिमांड करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग को ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स। क्या आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है बहुत से टॉपिक्स के ऊपर। द रीडिंग नीड्स में वेरी, बट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रीडिंग एफिशेंसी स्पीड, रीडिंग स्पीड हैज़ टू बी इंक्रीज। वो कहती हैं जो रीडिंग नीड्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने अपनी रीडिंग एफिशेंसी को इम्प्रूव करना है तो आपकी रीडिंग स्पीड को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखिए स्टूडेंट्स, रीडिंग स्पीड इज़ मेजर्ड इन वर्ड्स पर मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रीडिंग स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, वो यूनिट क्या है, WPM, वर्ड्स पर मिनट में। कैजुअल और जनरल जो रीडिंग है, सच एज वो कहते हैं जो कैजुअल या जनरल जो रीडिंग होती है, जैसे कि रीडिंग नावल्स हैं, पोइम्स हैं, स्टोरीज हैं एंड ह्यूमरस आर्टिकल्स हैं, डू नॉट नीड मच कंसंट्रेशन एंड देयर फॉर द रीडिंग स्पीड इज़ फास्टर दैन डैट ऑफ सीरियस रीडिंग। हाउ एवर, अकेडमिक और प्रोफेशनल रीडिंग सच रीडिंग टेक्निकल टेक्स्ट हैं, आर्टिकल्स हैं एंड प्रपोजल्स हैं, रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन एंड रीडिंग स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ रीडिंग एफिशिएंसी। वो कहते हैं देखिए, कुछ रीडिंग्स ऐसी हैं जिसमें हम रीडिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रीडिंग्स ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम रीडिंग स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, बल्कि हमें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स, छोटा सा एक टॉपिक था रीडिंग स्पीड का, इसको जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा यही बस एमसीक्यू के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि रीडिंग स्पीड को हम मेजर करते हैं वर्ड्स पर मिनट में, आपको ये एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं कैटेगरीज ऑफ रीडर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कैटेगरीज ऑफ रीडर्स, रीडर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, और आपको इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन क्या है, स्लो रीडर। अब देखिए स्लो रीडर कौन से होते हैं। स्लो आर द बिगनिंग रीडर्स, हैज 0 to 150 वर्ड्स पर मिनट। अब देखिए वो कहते हैं जो स्लो रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, या उनको हम ये भी कह सकते हैं बिगनिंग रीडर्स, वो 0 to 150 वर्ड्स पर मिनट रीड कर सकते हैं कि उनकी रीडिंग स्पीड है। मैनी पीपल्स हु रीड स्लोली डू नॉट इन्जॉय रीडिंग, टिपिकली दे फाइंड रीडिंग डिफिकल्ट, टायरिंग एंड दे हैव अ पुअर कम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट आगे देखिए पुअर रीडर। अब स्टूडेंट्स जो पुअर रीडर हैं वो रीड करते हैं 150 to 230 वर्ड्स पर मिनट, बिलो एवरेज टू एवरेज, ऑफन दे हैव पुअर कम्प्रीहेंशन एंड विल ऑफन अवॉइड रीडिंग। ऐसे रीडर्स भी रीडिंग से अवॉइड करते हैं, उनकी कम्प्रीहेंशन भी पुअर होती है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं एवरेज रीडर को। अब देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज रीडर कौन से होते हैं। एवरेज रीडर रीड करते हैं 230 to 250 वर्ड्स पर मिनट। एवरेज रीडर कैन अचीव एक्सीलेंट रीडिंग गेन्स विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आगे देखिए गुड रीडर। गुड रीडर रीड करते हैं 250 to 350 वर्ड्स पर मिनट। अबव एवरेज रीडिंग स्पीड गुड रीडर्स कैन अचीव फास्टर स्पीड्स अप टू अराउंड 500 वर्ड्स पर मिनट विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। वो कहते हैं अगर वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करें तो वो 500 वर्ड्स पर मिनट भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए एक्सीलेंट रीडर्स। अब स्टूडेंट्स जो एक्सीलेंट रीडर हैं वो रीड करते हैं 350 to 800 वर्ड्स पर मिनट। फास्ट टू वेरी फास्ट रीडर, सच रीडर्स टिपिकली हैव हाई एजुकेशनल लेवल एंड आर प्रोफेशनल। अवॉइड सोशल रीडर्स टू हैव पार्टिसिपेटेड इन एन इफेक्टिव स्पीड रीडिंग और रीडिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे देखिए स्किम रीडर्स, फास्टर दैन 800 वर्ड्स पर मिनट। अब ये उस 800 वर्ड से भी ज़्यादा फास्टर हैं। स्किमिंग इज़ अ यूजफुल टूल फॉर लोकेटिंग रेलिवेंट सेलेक्शंस
विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, स्कीमिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था स्कीमिंग को, स्कैनिंग को। तो स्कीमिंग एक यूजफुल टूल है कि हम सिर्फ रेलिवेंट सेक्शंस को ही रीड करेंगे डॉक्यूमेंट में, बाकियों को हम जो इररेलीवेंट होंगे उसको स्किप कर देंगे। स्टडीज शो डैट कम्प्रीहेंशन ड्रॉप्स ऑफ शॉर्पली एट स्पीड्स ग्रेटर देन 800 वर्ड्स पर मिनट फॉर ऑलमोस्ट ऑल रीडर्स। वो कहते हैं स्टडीज ने शो किया कि कम्प्रीहेंशन ड्रॉप कर जाता है जब हम शॉर्पली 800 वर्ड्स पर मिनट से भी ज़्यादा स्पीड के साथ हम रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें इसमें ज़्यादा एम सी क्यों ही है कि एवरेज रीडर की रीडिंग स्पीड कितनी होती है, गुड रीडर की, स्किम रीडर की, एक्सीलेंट रीडर की, पुअर या फिर स्लो रीडर की। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज का हमारा ज़्यादा जो हमने लेक्चर पढ़ा है वो हमारा ज़्यादा जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं रीडिंग स्पीड और कैटेगरीज ऑफ रीडर का, ये हमारे ज़्यादा एम सी क्यू के हवाले से ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप फिर भी इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप इसमें वही याद कर लेंगे रीडिंग स्पीड को तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ स्लो रीडिंग को, कि स्लो रीडिंग के कौन कौन से कॉज हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ स्लो रीडिंग को। अगर आपको मेरे आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, चाहे वो जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, आपको कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल चाहिए, आपको कोई भी असाइनमेंट प्रेजेंटेशन या आपको किसी भी टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।